ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पासिंग 2D एरे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में, सिंगल डायमेंशनल एरे को किस तरीके से पास करते हैं। दो तरीके हमने देखे थे कि फंक्शन के अंदर किस तरीके से एरे को पास करेंगे और किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, किस तरीके से उसको प्रिंट करेंगे। पिछले वीडियो में जो हमने देखा था वो सिंगल डायमेंशनल एरे था। इस वीडियो में हम देखेंगे जो 2 डायमेंशनल एरे होता है उसको किस तरीके से फंक्शन के अंदर पास करते हैं, किस तरीके से उसकी वैल्यू को प्रिंट करते हैं, किस तरीके से उसको ट्रैवर्स करते हैं और किस तरीके से उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक इस सब चीज को समझने के लिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने पॉइंटर वाले वीडियोस नहीं देखे, आपको पॉइंटर नहीं आते, पॉइंटर क्या होता है, एरेज क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, तो मैंने ना पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस प्लेलिस्ट को यहां से एक्सेस कर सकते हैं, पूरी यहां पे प्लेलिस्ट जिसके अंदर फंक्शन और एरे सब कुछ मैंने एकदम डीपली समझा रखा है किस तरीके से काम करता है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहां से आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं अगर आप न्यू यूजर है तो। फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपनी कोड आईडी के अंदर। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, पासिंग 2D array as function argument। यहाँ पे मैं पिछले जो वीडियो में हमने डिस्कस किया था वहीं से सारे कोड्स को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, जिससे कि मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सब कुछ लिखना है। अब मैं यहाँ पर ये सब यहाँ पे कुछ फंक्शन को हटा देता हूँ यहाँ से। ये फंक्शन मैंने यहाँ से हटाया, ये फंक्शन भी मैंने यहाँ से हटाया, मैं इसको फिर से बना लूंगा। और यहाँ से फंक्शन कॉल को भी मैंने यहाँ से हटा दिया पूरा। और यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ 2D array। यहाँ पे ये हो गया। अब इसको एक बार मैं रन कर लेता हूँ। ये हमारा सिंपल स्निपेट था, इसको यहाँ से मैंने रन किया, हमारा ये अच्छे से प्रिंट हो गया पासिंग 2D array एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। अब इसको मैं बना लेता हूँ यहाँ से। पहले तो एरे बना लेते हैं। एरे हमारा रहेगा, उसमें रहेंगी 3 रोज और 3 कॉलम्स। मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का ARR एरे बनाया मैंने यहाँ से, जिसकी 3 रोज रहेंगी जिसमें और 3 हमारे कॉलम्स रहेंगे। यहाँ पे मैंने ये बना लिया। अब इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। इनिशियलाइज किस तरीके से करेंगे यहाँ पे? इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमें सेमी कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लगाया 2, 4, 5। पहले हमारे कॉलम से इनिशियलाइज हो गया पहला। अब मैंने यहाँ से एंटर किया, यहाँ मैं इस तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। 4, पहले एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो सारे को कंट्रोल एक्स किया, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाया मैंने, यहाँ पे वैल्यू को पेस्ट किया। अब यहाँ पे कॉमा लगाया, अब यहाँ पे एंटर होगा यहाँ से, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ 5, 7, 9। ये हो गया हमारा दूसरी रो को इनिशियलाइज कर दिया हमने यहाँ से। अब तीसरी रो को इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे मुझे एक और सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा का अलग। अब यहाँ पे मैं लगाया कॉमा, यहाँ पे फिर से सेमी कॉलन। तीसरी रो को हम इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया 4, 3, 9। 7 कर देते हैं यहाँ पे, 7 भी हमारा, तो 6 कर देते हैं। ये हो गया हमारा एरे का इनिशियलाइजेशन। यहाँ से सेमी कॉलन लगाया मैंने यहाँ पे, एरे हो गया हमारा। देखो इसमें 3 तो रोज है, ये 1, 2, 3 ये रोज हो गई। ये हमारी ये पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये हमारे कॉलम हो गए। ये 2, 5, 4, 4, 7, 3 और 9 और 5, 9, 6। इसलिए हमारे कॉलम बन गया और रोज भी बन गई, 3x3 का हमारा एक एरे बन गया। अब इस एरे को हम फंक्शन बना लेते हैं। पहले इस एरे को किस तरीके से पास करेंगे ये समझने से पहले मैंने यहाँ पे वॉइड टाइप का फंक्शन बनाया, जिसका फंक्शन 1 नाम दिया मैंने जिसको, और उसके अंदर हम एरे बनाया, इंटीजर टाइप का एरे बनाया ARR, जिसका साइज रहेगा 3, 3। 3 रो ही है, 3 कॉलम है, तो हमने 3x3 का बना लिया और यहाँ से हमने ये बॉडी बना ली फंक्शन की। अब जब भी हम 2D एरे को ट्रैवर्स करते हैं तो हमें कितने लूप्स की जरूरत पड़ती है? 2 लूप्स की जरूरत पड़ती है। तो हम पहले लूप्स बना लेते हैं। इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो इसलिए हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया जब तक आई छोटा रहे किससे? 3 से, क्योंकि 2 से इंडेक्सिंग 2 तक इंडेक्सिंग रहेगी इसकी। 0, 1, 2, 3 हो गया, तो 3 से छोटा रहेगा तब तक ही चलेगा ये। और आई प्लस प्लस करा लिया मैंने यहाँ से। अब फॉर लूप भी इसके अंदर ही चलाना पड़ेगा। फॉर लूप इंट आई इज इक्वल्स, यहाँ पे आई वेरिएबल बना चुके हैं हम, तो जे बनाएंगे, जे इज इक्वल्स टू 0 और जे जब तक छोटा रहे किससे? 3 से, 3x3 का है तो यही हमारा रहेगा। और यहाँ पे कर देंगे हम जे प्लस प्लस। ये हो गया हमारा। प्रिंट स्टेटमेंट चलाते हैं। प्रिंट एफ लगाया मैंने, दी वैल्यू एट %d, %d इज %d/n। और यहाँ पे मैंने लगा दिया जो पहली %d है उस पर क्या प्रिंट होगा? i की वैल्यू। और जो दूसरी %d है उस पर क्या प्रिंट होगा? j की वैल्यू। और जो हमारा वैल्यू मेन वैल्यू जो एरे की वैल्यू उसको हम प्रिंट करेंगे इस तरीके से ARR। यहाँ पे मैंने लगाया i, j। अब आपको ये कंफ्यूजन ना हो इस तरीके, इसके लिए मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ARR1 कर दिया। यहाँ पे इस तरीके से हमारे एरे बन गया और यहाँ से हमने सेमीकोलन लगा के इस लाइन को कम्प्लीट कर दिया। अब इसको हम रन करते हैं। रन करने से पहले हमें फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम आए, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन 1 नाम से, इसके अंदर हमने ARR पास कर दिया। जब भी हम एरे का नाम पास करते हैं तो उसका मतलब होता है पूरा उसका बेस एड्रेस जाता है, पहले ब्लॉक का बेस एड्रेस जाता है, उसके थ्रू हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। मैंने यहाँ से इसको रन किया। अब देखो फ्रेंड्स, रन करने के बाद सारे ये वाली वैल्यू क्या है? ये 0, 0 इंडेक्स पर है। 0, 0 इंडेक्स पर क्या है? 2।
तो टू प्रिंट हो गया। जीरो वन पर क्या हमारा जीरो वन, पहली रो को क्या मानेंगे जीरो, दूसरी रो होगी हमारी वन, तीसरी क्या हो गई टू, और इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा जीरो वन टू, तो जीरो जीरो पर क्या है हमारा टू, और जीरो वन पर क्या है हमारा फोर, और जीरो टू पर क्या हमारा फाइव, और वन वन पर क्या है हमारा सेवन, उससे पहले वन जीरो पर हमारा फाइव है, वन वन पर हमारा सेवन है, और फिर वन टू पर क्या है हमारा नाइन, देखो वन टू पर हमारा हो गया नाइन, टू जीरो पर क्या हमारा फोर, देखो जीरो वन टू, टू वाली रो पे आ गए हम, तो और ये कॉलम कौन सा जीरो, तो टू जीरो पर क्या हमारा फोर, फिर टू वन, टू वन पर क्या हमारा थ्री, फिर हमारा टू टू पर क्या हमारा सिक्स। इस तरीके से हम टू डी एरे को भी पास कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से ए आर आर, इसे यहाँ से मैंने कॉपी किया, वो करते हैं बाहर से चेंज। जब भी हमारा ये स्टेटमेंट फॉर लूप चलना बंद हो जाएगा, मैंने यहाँ पे किया कंट्रोल वी, मैंने बोल दिया यहाँ पर चेंज करते हैं हम, यहाँ पर वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ पर इस वाली वैल्यू को चेंज करते हैं यहाँ पर ये वाली। तो ये वाला कौन सा इंडेक्स है, सबसे पहले तो रो देखेंगे, रो कौन सी है वन, और इंडेक्स कौन सा वन, वन वन पर चेंज करते हैं वन, और यहाँ पर भी वन, वन वन की वैल्यू हम क्या कर देते हैं ट्वेंटी कर देते हैं, यहाँ से चेंज हो गई वैल्यू। अब इसको फिर से अब इसको प्रिंट करके देखते हैं यहाँ से, मैंने बोला प्रिंट, प्रिंट स्टेटमेंट में यहीं से उठा लेता हूँ जिससे कि मुझे बार बार ना प्रिंट करना पड़े। यहाँ से मैंने उठाया इसको, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, कॉपी फिर से कर लेता हूँ, मेरी कोई मिस्टेक हो गई है, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ से और कंट्रोल वी कर दिया। अब यहाँ पे क्या देते हैं वन, और इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ से ये हटा दिया, और यहाँ पर भी हम क्या दे देंगे वन वन, वन वन दे दिया मैंने यहाँ से। अब इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पर नाम भी चेंज करना पड़ेगा, ए आर आर वन नहीं है यहाँ पर, ए आर आर है खाली। अब इसको मैं रन करता हूँ यहाँ से, रन करने से पहले एक लाइन फिर से ब्रेक करा लेता हूँ मैं यहाँ पे, प्रिंट एफ कर दो, एक लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक भी होगी हमारे यहाँ से। अब इसको रन करता हूँ मैं, तो यहाँ से मैंने रन किया। अब यहाँ पे ये क्या, पहले क्या प्रिंट हुआ था वन वन पर क्या था सेवन, और अब क्या है वन वन पर ट्वेंटी। इस तरीके से हम फंक्शन के थ्रू वैल्यू भी चेंज करा सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन के अंदर ये वैल्यू चेंज कराई और यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट किया है देखो, और यहाँ पे क्या था एरे का नाम ए आर आर वन, ए आर आर वन के थ्रू मैंने चेंज कराई थी, और यहाँ पे मैं प्रिंट किससे कर रहा हूँ ए आर आर से। इस तरीके से हम वैल्यू को भी चेंज करा सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टू डी एरे किस तरीके से पास करते हैं समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को एंड करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।